सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस में एक साइडवे ट्रेंड को देख सकते हैं और यहां पे हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में भी लगभग 25 पॉइंट्स का एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाता है। तो इसे देखते हुए कल हमें मार्केट में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें 12,300 से लेके 12,400 के लेवल्स के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इंडियन एडीआरस में हम यहाँ पे लगभग सभी स्टॉक में एक साइडवे ट्रेंड को देख सकते हैं, जबकि हमें मेटल सेक्टर का जो इकलौता स्टॉक है वेदांता में एक मार्जिनल बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। तो इसे देखते हुए कल आप इन सब स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में से चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने आज अपना Q3 FY 2020 के रिजल्ट्स को अनाउंस करने के बाद हमें इसमें एक गिरावट देखने को मिल जाता है। इसका जो रिजल्ट है वो रिलेटिवली अच्छा है, लेकिन हायर प्रोविजनिंग के चलते हमें इस स्टॉक में ये गिरावट कल भी देखने को मिल सकती है। इसने आज अपने मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि एक बियरिश सिग्नल है, और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक बियरिश क्रॉसओवर को आज फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल भी हमें इस स्टॉक में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। आज हम इस स्टॉक में लगभग 4% के आसपास एक डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। इसने अपने इंट्राडे लो 1470 के जस्ट ऊपर 1481.65 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी भी इसके ऑर्डर बुक में हमें एक सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है और हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 16 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहां आज हमें ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक काफी बड़ा अपसाइड देखने को मिल जाता है। इसने अपने मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। आज भी इसने अपना Q3 FY 2020 के रिजल्ट को अनाउंस किया हुआ है, जिसमें एक अच्छा सिग्नल हम देख पा रहे हैं, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इसने परफॉर्म किया हुआ है। इस वजह से हम यहाँ पे इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल इसमें थोड़ी सी और अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है माइंडट्री लिमिटेड। आज हम इस स्टॉक में लगभग 2.77% का एक रैली को देख पा रहे हैं। आज हमें इसमें लगभग 16.84% का एक डिलीवरी देखने को मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में हायर कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी अपसाइड को देख पा रहे हैं। हमें 880 के कॉल स्ट्राइक पे यहाँ पे काफी ज्यादा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसे देखते हुए कल आप इस स्टॉक को बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहाँ भी आज हम काफी बड़ा अपसाइड ट्रेडिंग आवर्स के दौरान देख पा रहे हैं। इसने अपने मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है, और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं, जिस वजह से कल स्टॉक में एक अपसाइड हमें फिर से देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है बजाज पेंट्स। आज इसने 534 के लेवल्स पे अपना नया 52 वीक हाई फॉर्म करने के बाद 529.7 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, और हमें इस लेवल पे भारी बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी बायर साइड में सेलर साइड के मुकाबले ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए कल आप इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है, यहां भी आज हम ट्रेडिंग आवर्स के दौरान काफी बड़ा अपसाइड को देख सकते हैं। इसने भी अपने मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को प्रोजेक्ट किया हुआ है। इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी
हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल स्टॉक में एक रैली हमें फिर से देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। आज मार्केट में एक वोलेटिलिटी रहने के बावजूद हमें स्टॉक में लगभग 1.52% का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है, और अभी भी हम इसके ऑर्डर बुक में लगभग 2200 स्टॉक्स को बायर साइड में देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमें इसके स्टॉक फ्यूचर्स में सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल हमें स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इसे देखते हुए कल आप स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन में कैश की अवेलेबिलिटी का जो इशू है उसे रिजॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवे की साउथ सेंट्रल रेलवे जोन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया हुआ है, जिसके दौरान हमें अगले कुछ ही महीनों में 585 स्टेशन में यह फैसिलिटी देखने को मिल सकता है। और इस फैसिलिटी को इंप्लीमेंट किए जाने के बाद आपको एवरी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के स्टेशन में डोरस्टेप बैंकिंग फैसिलिटी देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा फायदा इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहुंच सकता है। इस वजह से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर नजर बना रखना चाहिए। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो हम देख सकते हैं, वो है इंडसइंड बैंक के बारे में। इसने अपने Q3 FY 2020 के रिजल्ट्स को अनाउंस किया हुआ है। हमें इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% का जंप देखने को मिल जाता है, लेकिन हायर प्रोविजनिंग के चलते आज हमें इंट्राडे के दौरान स्टॉक में लगभग 4% के आसपास एक डाउनसाइड देखने को मिल जाता है। बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी इंप्रूव हुई है और ये करंटली 3074 करोड़ पे स्टैंड करती है। तो हायर प्रोविजनिंग की वजह से हमें अगले कुछ दिनों तक इस बैंकिंग स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, तो आप इस स्टॉक को वेट एंड वॉच कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो हम देख सकते हैं, वो है टाइटन के बारे में। टाइटन अपने लाइफ टाइम हाई 1350 के लेवल्स के ऊपर से गिरने के बाद राकेश झुंझुनवाला जी और LIC ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसमें लगभग 16.2 लाख शेयर का खरीदारी किया हुआ है। तो इसके बाद उनका जो स्टेक है वो टाइटन में और भी ज्यादा बढ़ चुका है। अभी राकेश झुंझुनवाला जी के पास 4.67 करोड़ टाइटन के शेयर हैं, जबकि उनके वाइफ के पास 1.26 करोड़ शेयर टाइटन के हैं। तो आज हमें टाइटन शेयर में एक मार्जिनल साइड ट्रेंड देखने को मिल जाता है, और इसने 0.45% के अपसाइड के साथ आज 1164.5 के लेवल्स पे आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। टाइटन में हमें यह कंसोलिडेशन अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी कंटिन्यू है, तो आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। डाउ और S&P 500 के फ्यूचर लेवल्स में एक साइडवे ट्रेंड को देखने के बाद अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे आज हम फिर से एक बुलिश कैंडल को देख सकते हैं। इसने आज अपना नया लाइफ टाइम हाई 12,373 के लेवल्स पे फॉर्म करने के बाद इसके जस्ट नीचे 12,360 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसे अपने सभी क्रूशियल EMA लेवल्स के काफी ऊपर ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, और इसके RSI लेवल में भी हमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल जाता है। करंटली ये 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें कल आपको एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर करते हैं, तो यहाँ पे हम 16 जनवरी की एक्सपायरी के लिए इसके पुट साइड में करंटली 11,300 की स्ट्राइक पे 12,04,800 पुट कॉन्ट्रैक्ट को नया ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें टोटल 31,62,675 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए हम इसी लेवल को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह मान सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के तौर पे 12,200 के लेवल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमें टोटल 20,72,550 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे हम 12,350 के लेवल्स पे जो कि इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहां पे हमें 2.38,650 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे टोटल 11,17,350 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल हमें 12,350 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब होता है, तो हमें ये 12,400 की ओर अपना रुख करता हुआ दिखाई दे सकता है। उस सिनेरियो में हम 12,400 के लेवल्स पे 2.28,975 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं,
और हमें इस लेवल पे अभी भी 17,14,950 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए हम 12,400 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। इसने आज अपने 9 डेज के एमएलआई 31,972 के जस्ट ऊपर 32,058 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल के लिए इसका 9 डेज और 21 डेज का एमएलआई एक क्रूशियल लेवल बन जाता है। अगर ये लेवल को सस्टेन करने में कामयाब नहीं होता तो हमें कल भी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। हम इसके आरएसएल लेवल को करंटली 53 के आसपास देख सकते हैं। तो कल हमें निफ्टी के मुताबिक इसमें एक साइड वे ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम 16 जनवरी की एक्सपायरी के लिए इसके पुट साइड में 32,000 के लेवल्स पे 73,780 पुट कॉन्ट्रैक्ट को नया एड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 7.06,780 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इमीडिएट लेवल के तौर पे हम 32,000 के लेवल्स को एक सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कल अगर फिर से बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के तौर पे 31,500 के लेवल्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि इस लेवल पे करंटली हमें 64,460 पुट कॉन्ट्रैक्ट एड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे टोटल 6.56,440 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो हम कल के लिए लोअर साइड में 31,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 32,100 से लेके 32,500 के बीच में काफी ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट एड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम सबसे ज्यादा 32,500 के लेवल्स पे 2.23,660 कॉल कॉन्ट्रैक्ट को नया एड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें टोटल 9.05,220 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में एक तेजी की सिचुएशन बनती है तो हम 32,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया एंड इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस आउट एनी अपडेट फ्रॉम अस। Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.